नमस्कार दोस्तों, yatradham.org में आपका स्वागत है। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे अयोध्या नगरी की। अब हम आए हैं यहाँ पे राम घाट पर। दर्शन की शुरुआत राम घाट से ही होगी। यहाँ माँ सरयू में स्नान के बाद ही यात्रा शुरू होगी। अगर आपको राम घाट पर स्नान सुरक्षित नहीं लग रहा है तो आप राम की पैड़ी पर भी स्नान कर सकते हैं, जो कि राम घाट के बिल्कुल सामने ही है। देखिए, ये है राम की पैड़ी और ये है राम घाट। ऐसा माना जाता है कि दर्शन से पहले सरयू में स्नान करना होगा, उसके बाद श्री हनुमान जी के दर्शन और उसके बाद ही श्री राम के दर्शन करने हैं। आइए अब दोस्तों चलते हैं राम की पैड़ी की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप राम की पैड़ी और पीछे देख सकते हैं लता मंगेशकर चौक। तो राम की पैड़ी सरयू नदी के किनारे स्थित घाटों की एक श्रृंखला है। पूर्णिमा के दिन इस स्थान की सुंदरता देखते बनती है। श्रद्धालुओं में ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। सरयू में राम की पैड़ी डुबकी लगाने के बाद हनुमान जी और प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन के लिए जाते हैं। यहाँ पर दिवाली के एक दिन पहले काफी बड़ी संख्या में लोग दिवाली मनाने या दीपोत्सव देखने आते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। आइए अब हम चलते हैं हनुमानगढ़ी की ओर। श्री राम जी से पहले हनुमान जी के दर्शन क्यों? क्योंकि यहाँ की मान्यता है कि भगवान राम जब लंका जीतकर अयोध्या लौटे तो उन्होंने अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए यही स्थान दिया था। साथ ही ये अधिकार भी दिया था कि जो भी भक्त यहाँ दर्शन के लिए अयोध्या आएगा उसे पहले हनुमान का दर्शन पूजन करना होगा। कहा जाता है कि भगवान राम के जन्म स्थान रामकोटी की रक्षा के लिए हनुमान यहाँ एक गुफा में रहते थे। 76 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हनुमानगढ़ी के मुख्य मंदिर तक पहुंचा जाता है। हनुमान जयंती और रामनवमी के उत्सव के समय हनुमानगढ़ी में होना खुशी की बात है। तो बात करते हैं कि हनुमानगढ़ी का मंदिर का समय क्या रहेगा। मंगलवार और शनिवार सुबह 5:30 से रात 11 बजे तक और अन्य सभी दिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। आइए अब चलते हैं हनुमानगढ़ी से राजा दशरथ भवन की ओर, जो कि यहां से 300 मीटर की दूरी पर है। अयोध्या के बीचों बीच में स्थित है दशरथ महल। यह माना जाता है कि इस भवन को ठीक उसी जगह बनाया गया है जहाँ राजा दशरथ का असली निवास हुआ करता था। इस भवन के मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां लगी हुई है। महाराजा दशरथ के महल को बड़ा स्थान या बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है। राम विवाह, दीपावली, श्रावण मेला, चैत्र रामनवमी और कार्तिक मेला का यहां उत्साह के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि चक्रवर्ती महाराजा दशरथ महल में अपने नाते रिश्तेदारों के साथ रहते थे। यह स्थल अब एक पवित्र मंदिर के रूप में तब्दील हो चुका है, जहां राम, सीता, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आदित्य की प्रतिमाएं हैं। आप जब यहां पे आओगे तो आपको यहां पे कोई भी भक्ति संगीत या भजन कीर्तन सुनने को मिलेगा। देखिए, आप यहां पे देख सकते हैं कि एक बच्चा कितना अच्छा कीर्तन गा रहा है। यह स्थल सैलानियों के लिए सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुला रहता है। आइए अब चलते हैं राजा दशरथ भवन से कनक भवन की ओर, जो कि यहाँ से 450 मीटर की दूरी पर है। तो ये देखिए कनक भवन। राम जन्मभूमि के उत्तर पूर्व में स्थित यह मंदिर अपनी कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम और देवी सीता को यह भवन उपहार स्वरूप दिया था। कनक भवन श्रद्धालुओं और पर्यटकों के घूमने के लिए प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 4:30 से 7:30 बजे तक खुला रहता है।
इस समय के बीच आप कभी भी कनक भवन की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ श्रद्धालु बिना किसी प्रवेश शुल्क के कनक भवन घूम और स्थापित देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। ऐसी ही और भी जानकारी के लिए देखते रहिए yatradham.org के वीडियो। जय श्री राम।